हेलो फ्रेंड्स, आई हार्टली वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वन कलर स्कीम लेके एक डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। इसके लिए ब्लू कलर और ब्लू के शेड बनाने के लिए ब्लैक एंड वाइट कलर का यूज़ हम करेंगे। हमें डिश लगेगी, पोस्टर कलर्स और ब्रशेस लगेंगे 4 नंबर और 6 नंबर का। तो सबसे पहले हम आउटर शेप ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आउटर शेप ड्रॉ कर लिया है। हाफ सर्कल लेकर हम इसके अंदर कुछ शेप ड्रॉ करेंगे। मुझे एक कमेंट्स आया था, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कि आप फिशेस पैटर्न और कुछ रिदमिक्स लाइंस लेके ड्राइंग करके दिखाइए। तो मैं फिश और रिदमिक लाइंस का यहाँ पे यूज़ करूँगा और एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। तो डिज़ाइन को स्टार्ट करते समय पेज के सेंटर से हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि हमें बाद में बैलेंस या फिर पेज डिवाइडेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने सेंटर में पहले एक फ़िश ड्रॉ किया है, फिर दूसरा फिश उसके ऊपर ओवरलैप किया है। शेप को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने से हमें नए आकार यानी कि नए शेप अपने आप मिल जाते हैं, इसलिए ओवरलैप करने से ड्राइंग अट्रैक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर मैंने तीसरा भी एक फ़िश का शेप लिया है और उसके बाद मैं कुछ रिदमिक्स लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइंस को हमेशा लास्ट में ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बड़े पार्ट हुए हैं वहाँ हम उसे ड्रॉ करके पार्ट डिवाइड कर सकते हैं और न्यूली पार्ट हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ड्राइंग कंप्लीट किया है। और जैसे कि मैंने कहा था, ब्लू कलर और ब्लैक एंड वाइट लेकर हम वन कलर स्कीम में ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो मैंने प्रॉपर ब्लू कलर पहले लिया है, जो हमें बॉटल में मिलता है। हम एक कलर को 2-3 पार्ट्स में भर सकते हैं यानी कि फिल कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रहे कि वो एक दूसरे से थोड़ा दूर और बैलेंस करके आकारों में भरना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट उसी कलर से कंप्लीट किया है और उसी प्रकार से मैंने बैलेंस करके यानी कि तीसरे पार्ट में भी वही कलर को मैं भर रहा हूँ। इस प्रकार आप एक कलर को 3 से 4 बार यूज़ करके फिर नया शेड बनाकर नए पार्ट्स में आप भर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ब्लू कलर में ब्लैक कलर थोड़ा ऐड किया है और थोड़ा डार्क शेड बनाया है, और इस डार्क शेड को मैं 3-4 बार बैलेंस करके उसे भी अलग अलग पार्ट में भरूंगा। जैसा हमारा पार्ट होता है उसी प्रकार से हमें ब्रश का यूज़ करना चाहिए, उससे हमारा काम शार्प और परफेक्ट होता है। अगर छोटे पार्ट है तो आप प्रॉपरली छोटे नंबर का ब्रश यूज़ करो। इस डिज़ाइन में मैं 4 नंबर का ब्रश और 6 नंबर का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मध्यम आकार के पार्ट है। अगर इससे भी छोटे पार्ट होते हैं तो 2 नंबर या 0 नंबर का ब्रश हमेशा यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से 3-4 पार्ट में मैं डार्क शेड का यूज़ कर रहा हूँ। डार्क शेड के बाजू में अगर हम लाइट कलर का यूज़ करते हैं तो दोनों ही कलर्स या फिर वो दोनों ही पार्ट अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए डार्क, लाइट, मीडियम सभी शेड का यूज़ करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैंने उस डार्क कलर में थोड़ा ब्लू ऐड किया है और डार्कनेस थोड़ा कम करके मैं एक नया शेड बनाकर उसे भरूँगा। एक कलर के हम कम से कम 11 शेड आसानी से बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे देखकर एक कलर के 11 शेड कैसे बनाते हैं उसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वन कलर स्कीम में डिज़ाइन करने के लिए हमें 11 शेड की जानकारी पूरी तरीके से होना ज़रूरी है, इसलिए आप ज़रूर उस वीडियो को देखकर 11 शेड बनाने की कोशिश करिए। कोई भी डिज़ाइन में अगर लाइट, मिडल और डार्क ये सभी शेड अगर डिज़ाइन में आते हैं
तो हमारा डिज़ाइन एट्रैक्टिव होता है। आज का ये डिज़ाइन टॉपिक एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और स्कूल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डिज़ाइन के ऊपर मैंने एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर इसी चैनल पे अपलोड किए हैं। वार्म एंड कूल कलर स्कीम में एक वीडियो बनाया है और एक कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम लेकर डिज़ाइन का एक वीडियो बनाया है और आज हम वन कलर स्कीम लेके आज का ये ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो कलर स्कीम डिज़ाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए कलर स्कीम का नॉलेज लेकर उसे करके देखना चाहिए। अब मैंने फिर से थोड़ा डार्क शेड लेकर बीच के जो पार्ट है उसमें भी डार्क शेड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट, डार्क और मिडल सभी रंगों का अगर हमारे डिज़ाइन में बैलेंस यानी कि उपयोग होगा तो हमारा डिज़ाइन एट्रैक्टिव और हमारे डिज़ाइन में डेप्थ आती है जो डिज़ाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए डार्क, लाइट और मिडल इसका अच्छे से यूज़ करके डिज़ाइन को एट्रैक्टिव बनाना चाहिए। अब हमने इस पार्ट में ब्लू कलर में ज़्यादा वाइट ऐड किया है और बहुत ही लाइट शेड बनाकर यहाँ पे हम कलर कर रहे हैं। इस प्रकार से आप उसी कलर को 2-3 पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अगर डार्क शेड ज़्यादा है उसके बाजू में अगर आप इस कलर को यूज़ करते हैं तो दोनों ही कलर जैसे मैंने कहा था उसी तरह एट्रैक्टिव लगेंगे। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके बेल को ऑल मोड पे रख दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस प्रकार हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप लास्ट में डायरेक्टली ब्लैक कलर का यूज़ भी कर सकते हैं और जहां आपको लगता है वहां पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके ड्राइंग में और ज़्यादा डेप्थ और अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब और बेल प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो को। Bye, stay safe.